फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल लिक स्कूल। मैं हूं निकिता और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मस्कारा हैक्स पर। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करती हूं अपने मेकअप लुक्स, कुछ रिव्यूज, कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोस। और आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूं एक मस्कारा हैक वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मस्कारा यूज करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। नीचे रेड बटन है, उस पर कर दीजिए क्लिक। बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब कीजिए निक स्कूल चैनल को और हिट कीजिए बेल आइकन पे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मीन करता है। तो यह बिना किसी तरीके चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको मस्कारा यूज करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको मस्कारा को यूज करना है, कौन से स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आपका मस्कारा दिखे एकदम परफेक्ट। चलिए हम बात करते हैं इस पर। अगर आप भी मेरी तरह मस्कारा लवर हैं तो आई मस्ट से कि आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, आपको क्या क्या चीज फॉलो करनी है। फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, इट डजंट लास्ट फॉरएवर। मतलब कि मस्कारा जो है हमेशा नहीं चलने वाला है, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। उसकी एक्सपायरी डेट 3 से 4 महीने या 4 से 8 महीने हो सकती है, के बाद आपको मस्कारा यूज नहीं करना है। अगर आप उस मस्कारा को यूज करेंगे तो आपको आई पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो अगर आप वो मस्कारा यूज कर रहे हैं जो एक्सपायर हो गया है तो आई मस्ट से कि आप उसको फेंक दें और नया परचेज करें। मार्केट में बहुत अच्छे मस्कारा अवेलेबल हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। लैक्मे का है, फिल्यू हेवन का है, मेबेलिन का है, तो बहुत सारे मस्कारे हैं, काफी अच्छे मस्कारे हैं। लेकिन आपको यूज करते टाइम उसको देखना है कि उसके एक्सपायरी डेट क्या है, शेल्फ लाइफ क्या है उसकी, ताकि आपकी आंखें अच्छी रहें, हेल्दी रहें और कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी आईज को नहीं हो। सेकेंड बात आपको ध्यान रखनी है कि आप डेली वाटरप्रूफ मस्कारा यूज नहीं करें, या अगर आप डेली वाटरप्रूफ मस्कारा यूज करेंगे तो उससे आपकी पलकें झड़ने लग जाएंगी। बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा स्टिकी होता है, आपकी पलकों पर एकदम स्टे कर जाता है, वो इजीली नहीं निकल पाता है आपकी पलकों से। तो ध्यान रखें, अगर आप डेली बेसिस पर मस्कारा यूज कर रहे हैं तो आप वॉशेबल मस्कारा यूज करें। वाटरप्रूफ मस्कारा जो है आप यूज कर सकते हैं किसी पार्टी में, फंक्शन में, शादी में। अगर आप डेली बेसिस पर वाटरप्रूफ मस्कारा यूज करेंगे तो उससे आपकी जो लैशेस हैं वो वीक हो जाएंगी और आपको फॉल आउट की प्रॉब्लम होने लग जाएगी उससे। तो आपको ध्यान रखना है, आप डेली बेसिस पर वॉशेबल मस्कारा यूज करें, वाटरप्रूफ मस्कारा यूज नहीं करें। ये था मेरा हैक नंबर 2। और मेरा हैक नंबर 3, हम भूल जाते हैं हमारे आंखों पर भी बाल हैं, हम अपने हेयर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी पलकों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि वीक में 2 बार आप जरूर अपने पलकों पर ऑयल लगाएं। आप सॉप पर ऑयल लेकर के अपनी पलकों पर लगा सकते हैं, इससे आपकी पलकें हाइड्रेट तो होंगी, साथ में बहुत ही जल्दी ग्रो भी होंगी। अगर आपको कूलर लैशेस चाहिए तो आप जरूर ट्राई करें इस हैक को। आप 2 से 3 वीक उसे यूज करें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो आईज लैशेस हैं वो एकदम ब्लर लगेंगी। तो आप जरूर ट्राई करें इस हैक को और मुझे नीचे कमेंट में लिखकर के बताएं कि आपको ये हैक कैसा लगा। हैक नंबर 4 है, अगर आपका मस्कारा ड्राई हो गया है तो आपको बस उसमें डालना है 2 से 3 ड्रॉप अपने आई ड्रॉप्स का और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं अपने मस्कारा को। और अगर आपके पास आई ड्रॉप्स नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं हॉट वाटर के अंदर, आप अपने मस्कारा को रखें 3 से 4 मिनट तक और उसके बाद आप अपना मस्कारा यूज कर सकते हैं इजीली। हैक नंबर 5 ये है कि जब आप मस्कारा लगाएं तो आप हमेशा नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ देखें, इससे आपका मस्कारा एकदम अच्छे से लगेगा और इधर उधर नहीं फैलेगा। तो जब आप मस्कारा लगाएं आपको देखना है ऊपर की तरफ, इससे आपकी जो लैशेस है एकदम फुलर लगेगी और एकदम रूट से लगेगा आपका जो मस्कारा है। और जब आप नीचे का लगाएं तो आप देखें एकदम स्ट्रेट, इससे मस्कारा जो है नीचे नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप ये हैक्स ट्राई करें और मुझे नीचे कमेंट में लिखकर के बताएं कि आपको ये हैक्स कैसे लगे। और लास्ट हैक जो है मस्कारा का, आपको लेना है एक सॉप पर वैसलीन या कोई ऑयल मस्कारा लगाने से पहले, आपको मस्कारा लगाने से पहले एक सॉप पर वैसलीन या ऑयल लेकर के अपने लैशेस पर लगाना है। अगर आप वाटरप्रूफ मस्कारा यूज कर रहे हैं तो आई मस्ट से कि आप ये हैक ट्राई करेंगे, उसके बाद आपकी जो फॉल आउट की प्रॉब्लम है वो एकदम सॉल्व हो जाएगी। तो या गाइस, मैंने सॉप पर वैसलीन लिया है और अब मैं लैशेस पर लगाऊंगी। आपको अच्छे से कोट करना है अपनी लैशेस को, अपर और लोअर दोनों लैशेस पर आपको इसे लगाना है और फिर उसके बाद आप यूज कर सकते हैं अपना वाटर प्रूफ मस्कारा। और जब आप इसे निकालेंगे तो और आप खुद डिफरेंस देखेंगे अपने लैशेस में, वो ग्रो भी करेंगे, साथ में फॉल आउट की जो प्रॉब्लम होती है वाटर प्रूफ
मस्कारा लगाने के बाद वो बिल्कुल नहीं होगी और जो आपका मस्कारा है वो बहुत ही इजीली ग्लाइड करेगा आपकी पलकों पर और जो आपकी पलकें हैं वो क्लमजी नहीं होंगी। सो यार गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट इस वीडियो पर, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड सभी के साथ, आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया पर। अब मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।